नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 21 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। आपको अगर प्रीवियस या नेक्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट से देख सकते हो। देखिए इसमें आपका क्या है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। देखिए इसमें आपका क्या है, ये का आएगा दीज, वे का आएगा दोज, इन दोनों के साथ यूज जो होगा वो आर होगा, बाकी आपका जो नाउन दिया हुआ है वो आपको लिखना है यानी ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो देखिए आपका क्या है, ये कुत्ते हैं, तो ये का क्या होता है दीज, आर, कुत्ता का होता है डॉग, लेकिन यहाँ पर क्या प्लूरल है तो डॉग का प्लूरल बनाएंगे दीज आर डॉग्स, ठीक है। वे बिंदिया हैं तो वे का आपका होगा दोज, ठीक है, दोज के साथ हम लोग लगाएंगे आर। बिंदिया तो बिंदी का आपका होता है कैट, लेकिन कैट का पुनरन करेंगे तो कैट्स, दोज आर कैट्स। चलिए आगे देखते हैं, ये गायें हैं तो ये का आपका हो गया दीज आर, गायें का आपका क्या हो जाएगा काउज, काउ होता है लेकिन काउ का अगर पुनरन करेंगे तो आपका हो जाएगा काउज। चलिए आगे देखते हैं, वे घोड़े हैं तो वे का आपका होगा दोज। देखिए ये और वे में सिर्फ ई और ओ का फर्क है, ये का आपका दीज होता है, वे का आपका दोज होता है, दोज आर हॉर्सेज, ठीक है। घोड़ा का आपका हॉर्स होता है लेकिन घोड़े का आपका हॉर्सेज हो जाएगा, ठीक है। ये अंडे हैं, दीज आर, अंडा का आपका एग होता है लेकिन यहाँ पर एग्स होगा, ठीक है, क्योंकि ये अंडे हैं यानी एक से अधिक है। चलिए आगे देखते हैं, वे सेब हैं तो वे का आपका हो गया दोज, दोज के साथ लगाएंगे आर, सेब का होता है एप्पल, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका हो जाएगा एप्पल्स, ठीक है, दोज आर एप्पल्स। आगे देखते हैं, ये बंदे हैं तो दीज आर, बंदा का इंग्लिश बैट होता है तो यहाँ पे बैट्स हो जाएगा, दीज आर बैट्स। चलिए आगे देखते हैं, वे गेंद हैं तो वे का आपका होगा दोज आर, गेंद का आपका बॉल होता है तो यहाँ पे बॉल्स हो जाएगा, दोज आर बॉल्स। ये कुर्सियाँ हैं तो ये का आपका हो जाएगा दीज आर, चेयर होता है कुर्सी का तो यहाँ पे हो जाएगा चेयर्स, ठीक है। वे पंखे हैं, क्या है, वे पंखे हैं तो वे का आपका हो गया दोज आर, पंखा का फैन होता है तो आपका फैंस हो जाएगा, ठीक है, दोज आर फैंस। ये लड़के हैं तो ये का आपका हो गया दीज आर बॉयज, ठीक है, दीज आर बॉयज। चलिए आगे देखते हैं, वे लड़कियां हैं तो वे का आपका हो जाएगा दोज आर, लड़की का आपका गर्ल होता है तो लड़कियां का आपका गर्ल्स हो जाएगा, दोज आर गर्ल्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 13 में ये चटाइयां हैं तो ये का आपका हो गया दीज आर, चटाई का मैट होता है तो आपका मैट्स हो जाएगा, दीज आर मैट्स, ये चटाइयां है। वे नक्शे हैं तो दोज आर, नक्शा का मैप होता है मैप्स, दोज आर मैप्स। ये तालियां हैं, सॉरी ये ताने होना चाहिए था, ठीक है, ये ताने हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है लिखने में, ये ताने हैं तो दीज आर डॉक्स, ठीक है, ये ताने हैं तो ताना का डॉक होता है तो डॉक्स हो जाएगा, ठीक है। वे चाबियां हैं तो दोज आर, चाबी का की होता है तो यहाँ पे कीज हो जाएगा, ठीक है, दोज आर कीज। चलिए दो और बचा है, ये जूते हैं तो दीज आर शूज, ठीक है, दीज आर शूज। उसके बाद वे प्याले हैं दोज आर कप्स, ठीक है, दोज आर कप्स, वे प्याले हैं। तो इस प्रकार से बाबू आप सभी का एक्सरसाइज 21 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर आपको प्रीवियस या नेक्स्ट किसी भी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखना है इस बुक का,
या ऑक्सफोर्ड के किसी और बुक का, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए या डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।